दोस्तों जी, मैं ना सुबह सुबह मैं इनको फीड कराने के लिए आया था, तो मैंने कहा फीड करा दूँ सुबह सुबह। तो इनकी हालत इतनी बुरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने ये हेयर ड्रायर से गर्म हवा मार के इनको इतना किया है, वरना मैं आपको पहले दिखाता ना तो ये मरने वाले थे। मैंने इनको हेयर ड्रायर से इतना किया है, फुल ठंडे थे, फुल पता नहीं इनको क्या हुआ है क्या नहीं। मैं लग रहा था आपको ना बारिश थी, तो इस वजह से ऊपर खुले ही पड़े हुए थे, तो शायद इस वजह से इनको ठंड लग गई क्या हुआ है। तो रात को मुझे पता नहीं चला कि बारिश हो रही, तो अब मैं इनको सीलर दे रहा हूँ, तो फिर थोड़ी सी गर्म हवा मारूँगा ताकि थोड़ा ठीक हो जाए। पहले तो ये फुल लेट गए थे मरने वाले, अगर मैं ना आता ना आधा घंटा तो ये मर जाते। बस जिसकी ज़िंदगी हो ना उसको अल्लाह ताला बचा ही लेते हैं। तो अभी ये मैंने सीलर बनाया है गर्म गर्म, तो इनको मैं देता हूँ। तो माशाल्लाह मुझे अब ठीक लग रहे हैं, बाकी अब अल्लाह ताला इनको ठीक रखें। ये मैंने अभी हेयर ड्रायर से गर्म हवा मारी है, तो ये माशाल्लाह उठे हैं, वरना तो बहुत ठंडे थे, फुल लेट गए थे। तो अब मैं इनको बुलाता हूँ। तो ये मैंने भर लिया सिलक से, तो इसको एक बच्चे को इस कपड़े के ऊपर रखते हैं और फिर इसको बुलाते हैं। अब ठीक लग रहे हैं मुझे पहले से, लेकिन पहले तो बेचारों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। हेलो, अब मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं घंटा या ना आता तो इन्होंने तो मर जाना था। मसला इतना बहुत है, इसको रख देते हैं अंदर और दूसरे को लेते हैं। अब बेचारों की हालत थोड़ी ठीक है, मोबाइल गिर गया था क्योंकि मैंने अपनी टांगों में रखा होता मोबाइल, तो अब हालत ठीक लग रही है, लेकिन अभी भी ठंडे हैं। इनको गर्म हवा मारता हूँ, ज़रा इनका टेम्परेचर सही होगा फिर ही कुछ होगा। ऐसे कपड़ा ऊपर रख के ना तो डायरेक्ट गर्म हवा ना इनको बहुत ज़्यादा लगती है। अंदर हीट हो जाएगी इस तरह ना। शुक्र है मैं जल्दी आ गया, वरना तो भाई ये बचना ही नहीं था। मैं तो वैसे ही, वरना मैं 10 बजे उठ के इनको फीड करता हूँ, मैं तो वैसे ही बाहर आ गया तो देखा तो ना इसके ऊपर कपड़ा रख के ना हेयर ड्रायर के ऊपर, फिर इनको थोड़ी थोड़ी हीट देते हैं।
मैं देखता हूँ, गर्म तो नहीं हुए लेकिन नॉर्मल हो गए हैं। पहले तो बहुत ठंडे थे और अकड़े हुए थे बेचारे सर्दी की वजह से शायद, क्योंकि दूसरे जो बच्चे हैं वो उड़ गए हैं, निकल गए हैं जो हैंड फ्री पर पाल रहा था, तो ये कॉकटेल रह गए थे ये तरह ना, इनके ऊपर पर नहीं ना इस वजह से। तो माशाल्लाह ठीक लग रहे हैं, पहले आपको मैंने दिखाए थे कैसे थे और अब माशाल्लाह देख लें मुझे तो ठीक लग रहे हैं और थोड़े थोड़े गर्म भी लग रहे हैं। तो बाकी इनके ऊपर यही कपड़ा रखते हैं थोड़ी देर ताकि गर्म रहें। इसमें यहाँ रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं आपको बाकी अपने बर्ड्स दिखाता हूँ। रात को बारिश हुई थी तो ये इस तरह से ऊपर रखा हुआ था हमने ये बोर्ड। तो ये मसाला सारे हमारे बजेज वगैरह ये वो मसाला सब बिल्कुल ठीक है, शुक्र है कॉकटेल को मेरे पास जल्दी आ गया, वरना तो ये काम ख़राब ही हो जाना था, बेचारे मर जाने से सारी मेहनत ज़ाया जाने से। पहले ही दो मर गए तो ये भी मर जाने से दो, कोई फ़ायदा नहीं होना था इस जोड़े का फिर। बाकी आज सबको अंडा ब्रेड देते हैं क्योंकि आज ना दो तीन दिन हो गए बारिश हो रही है, अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है। तो बस यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं, अभी मैंने जाना पेपर देने, तो मैंने वीडियो बनानी तो नहीं थी आज कोई भी, लेकिन अब बन गई। आपने दुआ करनी है कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अच्छी ग्रोथ में रहें। तो ये दो तीन भाई ने बात की है इसकी कॉकटेल की, तो इस वीडियो में भी कह रहा हूँ अगर किसी ने लेना हो तो मेरे से कमेंट में रब्ता कर ले, फिर मैं उसे दे दूँगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और जब भी अगर इस तरह हो ना तो आपने इसी तरह करना जैसे मैंने किया, अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो कपड़ा रख के ना चूल्हे के ऊपर आपने ऊपर करके रखना, जहाँ पे आपको लगे कि नॉर्मल हीट आ रही है आग की, तो वैसे आपने रखना ताकि उनको हीट मिले तो वो दोबारा ठीक हो जाए। अभी मैंने मेरे पास मुझे याद आया कि मेरे हमारे पास हेयर ड्रायर भी है, तो मैंने जल्दी से हेयर ड्रायर पकड़ा, पहले मैं चूल्हे के ऊपर ही करा फिर मैंने हेयर ड्रायर पकड़ा, तो हेयर ड्रायर से मसला जल्दी रिकवर हो गया। तो अब केयर करूँगा इनकी और अब इनको कपड़े में लपेट के रात को रखूँगा, जब रात को रखना होगा इधर या फिर अपने कमरे में रखूँगा ताकि ज़्यादा ठंड ना लगे इनको। तो आपने भी ऐसे ही करना है, मैं तो 10 बजे कराता हूँ, आज तो मैंने पेपर देने जाना, तो मैंने कहा इनको फीड करा के चला जाता हूँ, तो वापस आऊँगा तो फिर 2 बजे या 3 बजे करा दूँगा। अभी सुबह का टाइम है 6:30 बजे का टाइम, तो मैं करवाने लगा तो देखा तो ये फुल बड़ा वाला तो फुल लेटा हुआ था, आँखें बंद थी, थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गए। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं।